एंड किसी हाइट एच से हमारे पास एक पार्टिकल है लेट्स ए मास ऑफ द पार्टिकल इज़ स्मॉल एम एंड इसे हम ड्रॉप करते हैं सो आप देखो जब हम इस पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करेंगे देन इस पर फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ सो ये पार्टिकल डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करेगा कैन यू फाइंड आउट द एक्लेशन ऑफ दिस पार्टिकल वेन द पार्टिकल इज़ लेट्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर मीन्स ये जो पार्टिकल है अर्थ सरफेस के बाहर है उस टाइम पे जो एक्जेलरेशन होगा पार्टिकल का दैट विल बी जी कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर राइट दिस इज द एक्जन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड द अर्थ और इनसाइड क्या होगा व्हेन एक्स इज लेसर दैन कैपिटल आर एक्जेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जी एक्स बाय कैपिटल आर है ना किसी डिस्टेंस एक्स पे जब ये पार्टिकल होगा अर्थ सरफेस के अंदर उस टाइम पे दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन नाउ यू कैन आल्सो फाइंड आउट द फोर्स राइट फोर्स कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन सो स्मॉल एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा एम जी एक्स बाय कैपिटल आर सो यू कैन सी कि इनिशियली इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ सो ये पार्टिकल एक्सिलरेट करता हुआ मूव करेगा डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ देन सेंटर ऑफ अर्थ पे जाने के बाद इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा एक बार ये सेंटर पे पहुंच गया सेंटर ऑफ अर्थ पे इस पर फोर्स ज़ीरो हो जाएगा बट इसके पास एक वेलोसिटी होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज इट वॉज एक्जिलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ राइट सो फिर ये इस तरह से आगे मूव कर जाएगा और अभी जो फोर्स लगेगा इस इसपे दैट इज अगेन डायरेक्टली टूअर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इट मीन्स ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है और अभी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मीन्स ये डेजेलरेट करता हुआ नीचे जाएगा कहाँ तक जाएगा आप देखो सेम हाइट तक जाएगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट सेम हाइट एच आउटसाइड द सर्फेस ऑफ अर्थ सेम हाइट तक जाएगा क्यों जाएगा बिकॉज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स सो इफ ऑली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग दैन वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कॉन्स्टेंट होगा नाउ आप देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो कहाँ पे थी एच हाइट पे सो so फाइनली भी कहाँ पे जीरो होगी एच हाइट पे राइट बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए ना जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट इज कॉन्स्टेंट नाउ एक बार ये यहाँ पर पहुंच गया अब आप देखो सिमेट्रिक कंडीशन है फिर से ये पार्टिकल अर्थ सरफेस के तरफ मूव करेगा मीन्स सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मूव करेगा एंड सिमेट्रिक मोशन होगा फिर से सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएगा अगेन ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और फिर एच पे पहुंच जाएगा ऊपर की तरफ राइट right? सो so, आप देखो कि ये जो मोशन हमें दिखेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम अर्थ की सरफेस पे खड़े होकर इस पार्टिकल का मोशन देखते हैं देन एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा इस पार्टिकल का जो पाथ है हमें राइट सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन पैराबोलिक नहीं है क्या ये पीरियडिक मोशन होगा ऑफकोर्स पीरियडिक मोशन होगा आप देखो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद इस पार्टिकल का जो मोशन है अपने आप को रिपीट करेगा एक बार पार्टिकल नीचे गया फिर से वापस ऊपर आया सेम हाइट पे आ गया फिर से अपने मोशन को रिपीट करेगा सो so एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ये पार्टिकल जो है इसका मोशन रिपीट होगा सो इट्स अ पीरियडिक मोशन क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है आप फोर्स को चेक करो फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स फॉर एस एच एम ना वैन दिस एक्स इज ग्रेटर देन कैपिटल आर यहां पर जो फोर्स है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर सो दैट्स वाई इट इज नॉट एस एच एम अदरवाइज जब ये पार्टिकल अर्थ के अंदर है उस टाइम पे आप देखो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सो इनसाइड द अर्थ ये एस एच एम करेगा बट आउटसाइड इट विल नॉट डू एस एच एम सो हमें ओवरऑल बताना है सो इट वेल नॉट बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टड लेट मी नो ए फिल है एनी कन्फ्यूजन ओके वर्किंग एट बेस्ट ऑफ लक बाय